ओम शांति। अब तक हमने जाना कि मृत्यु एक बहुत ही सुखद क्षण है, सुखद घड़ी है, अगर वो प्राकृतिक है। पर हम ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा जीवन सुख शांति से भरा हो? आज हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी सीडी या कैसेट को अगर बीच में पॉज कर दिया जाए और फिर उसे पुनः वापस प्ले किया जाए तो वो वहीं से शुरू होती है जहां पॉज किया था। कुछ कुछ ऐसा ही हमारी मृत्यु का क्षण होता है। हम आत्माएं जिस विचार या धारणा या विश्वास के साथ शरीर छोड़ते हैं वो धारणा बड़ी मजबूती से हमारे अगली जीवन यात्रा के हर क्षण में अपना प्रतिबिंब दिखाती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति मरते समय सोचता है, मुझे जीवन में लोगों ने धोखा दिया, मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो अगली जीवन यात्रा में वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि अपने माता पिता भाई बहन पर भी नहीं। किसी ने जीवन साथी से धोखा खाया और यही मन में विचार करते करते अपना शरीर छोड़ दिया, तो अगली जीवन यात्रा में उसे कितना भी विश्वसनीय जीवन साथी मिला हो वो सदैव उसको शक की निगाह से देखता रहेगा, वो उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। कभी कभी व्यक्ति मृत्यु के समय पश्चाताप से भरा होता है तो कभी कभी बड़े कृतज्ञ भाव से भरा होता है कि कुछ लोगों ने उसकी कितनी सेवा की है, उसे मदद की है। तो ये सब एक संस्कार रूप में, एक विश्वास के रूप में उसके आत्मा के साथ अगली जीवन यात्रा में चले जाते हैं। पर आवश्यकता इन सब की नहीं है। एक व्यक्ति को वास्तव में अपने जीवन में हर पल की आंतरिक सुख शांति की कामना होती है, जो उसे जीवन के हर मोड़ पे चाहिए होती है। अब वो स्थिति आनंद सुख शांति की तब प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति मृत्यु के निकट क्षण में ऐसी संगति में हो जो उसे शांति, संतुष्टता और आनंद से भर दे। और हम जानते हैं मनुष्यों के पास तो ये क्षमता नहीं है कि वो किसी मरणासन्न व्यक्ति को आनंद और सुख शांति से भर दे। इसीलिए कहा जाता है कि उसे ईश्वर की याद में टिकाओ, अर्थात मरने वाले व्यक्ति के मन बुद्धि को ईश्वर का ध्यान करने का याद दिलाओ, क्योंकि एक उसी की समीपता है, उसका अनुभव ही है जो आनंद से भरा है और जो दुनियावी चिंताओं और दर्द से आत्मा को मुक्त रख सकता है। पर ये बिना पुराने अनुभव के तो व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर ईश्वर की समीपता का अनुभव करते हुए व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो अगली जीवन यात्रा में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो आत्मा सदैव जीवन में उमंग, उत्साह और शांति से भरपूर रहती है। बड़े से बड़े संकट को वो आशावादी होकर पार कर लेती है। और यही वो बातें हैं जो व्यक्ति के जीवन को सफल बनाती है। पर ईश्वर की समीपता का अनुभव कराने के लिए मरणासन्न व्यक्ति को अपना मन ईश्वर में लगाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब व्यक्ति तरह तरह की शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भोग रहा हो तो ईश्वर में मन कहाँ लगेगा। इसलिए ही जरूरत है कि हम जीवन काल के रहते आज ही से हर दिन में कई बार 2-4 मिनट ईश्वर की याद में बैठने का अभ्यास करें, ये जानने का प्रयास करें
कि ईश्वर क्या है, उसकी समीपता को कैसे अनुभव कर सकते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वो हमें कैसे सफलता दिलाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान या माला जपने से या नाम लेने से ये सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता, अर्थात अनुभूति नहीं होती, हमारा मन उस विषय पर नहीं टिकता। अगर हमने जीवित रहते हुए ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वरीय समीपता का अनुभव किया है, उस अतींद्रिय सुख को अपने मन में महसूस किया है, तभी हम मृत्यु के उस क्षण में परमात्मा की याद में अपना मन उसकी तरफ लगा सकते हैं। और एक यही वो विधि है जिससे हमारा अगला जन्म पूरा श्रेष्ठ और सफलताओं से भरा बन सकता है। जैसे कहते ना, किसी व्यक्ति को साइकिल चलानी आती, अच्छी तरह से चलाई है उसने कभी जीवन में, पर बीच में उससे अगर थोड़ा समय छूट भी गई है, लेकिन परिस्थिति पड़ने पर कभी कुत्ता पीछे पड़ जाए या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए और उसे साइकिल दिखे दौड़ने के लिए, तो वो साइकिल चला देगा। अभ्यास उसके लिए ज़रूरी है। और ऐसा ही होता है, जब हमें पता चलेगा कि हमारी मृत्यु का क्षण है और हमें अब अपने पूरे जीवन, अगली जीवन यात्रा का सफलता और सुख शांति इस पर निर्भर है, तो हम तुरंत ईश्वर की याद में खो जाएंगे। पर वो तभी संभव है ना, जब हमने उसे पहले अनुभव किया है, उसकी करीबी का, उसकी समीपता को हमने महसूस किया है, अपने मन बुद्धि से उसे जाना है। तो इसे अगले अंक में हम ईश्वर क्या है, उसे कैसे अनुभव करें और उसे जीवन में अपना साथी कैसे बनाएं, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।